Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। दरअसल ये धमकी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से दी गई थी, लेकिन उसने ऐसी कोई धमकी देने से इनकार कर दिया है। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दावा किया है कि धमकी देने के लिए मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। धमकी मैंने नहीं दी, धमकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पुलिस इसकी जांच करे। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मेरे नाम से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी मिली है। इस धमकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र भाटी एक गरीब परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा लोकसभा तक के सफर में समाज हित के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए भलाई का काम कर रहा है। ये बात सत्ता में बैठे राजनेताओं को हजम नहीं हो रही है। इस वजह से मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके भाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो कौम की बात कर रहे हैं, हमारी कोई जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जग जाहिर है। इस पोस्ट के जरिए पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि इस धमकी भरे पोस्ट की निष्पक्ष जांच करे। साथ ही हमारे भाई रविंद्र सिंह भाटी को इस राजनीतिक सफर में खूब उन्नति प्राप्त हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आपको बता दें कि रोहित गोदारा भारत से फरार होकर विदेश में बैठा है। गोदारा लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों जयपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से रोहित गोदारा चर्चा में है। रोहित गोदारा पर कई एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। गोदारा के खिलाफ इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। गोदारा के नाम से रविंद्र भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें ये तक कहा गया कि गोगामेडी की तरह उनका भी हश्र हो सकता है। उम्मेदवार बेनीवाल की वजह से वो चुनाव लड़ पा रही हैं। फिलहाल इस मामले में रोहित गोदारा अपनी सफाई दे चुके हैं। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कॉमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।